स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स स्टेडियम रख दिया गया है, जिसका उद्घाटन खुद रक्षा मंत्री ने आज ही यानी कि 27 अगस्त को किया है। नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक जीत के बाद उनके लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में साबित हुई है। समारोह के बाद राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए नीरज चोपड़ा सहित बाकी अन्य ओलंपियनों को शुभकामनाएं दी, जिस पर अब खुद नीरज चोपड़ा का जवाब आ गया है। आपको बता दें कि सम्मान समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे और दक्षिणी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन भी मौजूद रहे। स्टेडियम का नाम 23 वर्षीय गोल्डन बॉय के नाम हो जाने के बाद से पूरे भारतवर्ष से नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं आ रही है। वहीं जैवलिन थ्रोअर सूबेदार नीरज चोपड़ा के साथ साथ राजनाथ सिंह द्वारा बाकी अन्य खिलाड़ियों को भी यहां सम्मानित किया गया। इस समारोह का दौरा करने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए आज पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में सूबेदार नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया। उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। अब ASI ने उनके नाम पर स्टेडियम का नाम बदल दिया। उनके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना करते हैं, जिसके जवाब में गोल्डन बॉय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रक्षा मंत्री के इस ट्वीट पर लिखा। वहीं केंद्रीय मंत्री ने यहां इस समारोह से जुड़े एक और अन ट्वीट में लिखा कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी सशस्त्र बलों के कर्मियों की सुविधा के लिए खुशी हुई। मैं उन्हें आगे के सफल करियर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा ने भी अपने इस समारोह की एक तस्वीर को साझा करते हुए ट्वीट में लिखा, वास्तव में सम्मान से अभिभूत हूं और आशा करता हूं कि यह हमारे देश को भारत के ध्वज को गौरवान्वित करने के लिए कई और एथलीटों को प्रेरित करेगा। धन्यवाद ASI पुणे। फिलहाल नीरज चोपड़ा के समारोह में जुड़े हर एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है, जहां इसकी चर्चा खूब जोर पकड़ रही है। आपको हमारी पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और देखते रहिए HCN News। धन्यवाद।